Assalamualaikum, hello and welcome to World Cup Special Transmission powered by Spark Smartphones, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और वर्ल्ड कप में आज है 30वां मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच और ये मैच खेला जाएगा पुणे में. अब से कुछ देर पहले टॉस हुआ है जो अफगानिस्तान ने जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है. तो यह है आज के मैच के हवाले से बात. शुरुआत हम करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के मैच की जो कि कल हुआ और बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला. इंग्लैंड ने एक बार फिर डोमिनेट किया डिफेंडिंग चैम्पियन को, सॉरी इंडिया ने एक बार फिर डोमिनेट किया डिफेंडिंग चैम्पियन को और ये पहली बार है कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 5 बार कोई डिफेंडिंग चैम्पियन लगातार मैच हार रही है और उनका कोई सिलसिला नजर नहीं आ रहा इस वर्ल्ड कप में कमबैक करने का. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल और शोएब जट. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. बासित भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल के मैच से. क्या पिच वाकई दूसरी इनिंग में इतनी अनप्लेबल हो गई थी? अनप्लेबल तो नहीं हुई थी. आपने देखा होगा कल के मैच में सबसे ज्यादा ड्यू भी कल के मैच में पड़ी है, लेकिन जहाँ पे उनका 4.2 बॉल में 30 रन का स्टार्ट था ना, तो वो फिर चले गए रन रेट के लिए कि हमने अपना रन रेट अच्छा करना है. और वहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए बुमराह को, शामी को, जिस तरह वो उन्होंने आउट करे. तो जो एक डेंट था ना, उन्होंने 30 पे कोई आउट नहीं, 39 पे 4 आउट, तो वो पूरा जो डेंट था वो डाल दिया था. उसके बाद कुलदीप ने अच्छे बॉल करे, बॉलिंग तो अच्छी है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है फिर वो संभल नहीं पाए. बिल्कुल सही है. और अगर हम नाजरीन को ये ट्वीट भी दिखा दें या जो ये क्रिक इन्फो ने लगाया है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा दें कि जो इयान मॉर्गन का कहना था, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे ये कहते हाफ वे स्टेज में इंग्लैंड का ये हाल होगा और सिर्फ बांग्लादेश को हराया हुआ होगा तो मैं आप पे हंसता. तो ये भी जो है वाकई एक हकीकत है कि प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स थे. बिल्कुल, और हम सब आई थिंक एग्री थे कि सेमीफाइनलिस्ट के लिए तो फेवरेट थे. लेकिन इतने सारे इनके जो प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ टच हैं. यू नो, जो रूट की बात कर लें, जॉनी बेस्ट्रो की बात कर लें, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर कैप्टन, कोई भी रन नहीं बना रहा. उसके अलावा बॉलिंग भी देखें तो वो बाकी अगर इंडिया की बॉलिंग से कंपेयर करें या कोई टॉप जो भी साइड्स खेल रही हैं उस हिसाब से बॉलिंग भी उनकी नहीं है. अगर कल का मैच उठाएं तो आप देखें तो उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. पहले 3 आउट करने के बाद बॉल स्पिन भी हो रहा था, थोड़ा सा सीम भी हो रहा था, लेकिन क्योंकि मैच हारते हुए आ रहे हैं तो वो उनकी कैप्टनसी में भी दिख रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा था कि वो उस तरह अटैक कर पा नहीं रहे थे. क्योंकि वहाँ ये गेम विकेट्स का था, ये गेम था लो स्कोरिंग में, पिच था कोई इसमें हम कहेंगे यार विकेट बहुत अच्छा था, स्कोर कम किया इंडिया ने, स्कोर 25-30 रन कम किया इंग्लैंड की बॉलिंग को देखते हुए और इंग्लैंड की कंडीशंस को देखते हुए, यू नो टीम की कंडीशन को देखते हुए इंडिया ने. लेकिन जब वो बैटिंग के लिए आया, जो इंडिया ने बॉलिंग की है वो आउटस्टैंडिंग है. वो बता रहे हैं कि यार इस टाइम हम वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हैं. वी आर द टीम टू बीट. और जिस मैच्योरिटी से बॉलिंग की है, यू नो, कि इतना काम थे, जैसे पता था कि वी आर इन कंट्रोल इवन विद टू डिफेंडिंग 230. आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडिया की. जब इंग्लैंड इस टाइम जो है वो समझ नहीं आ रही उनको कि इस टाइम किस तरीके से कम बैक करें. हालांकि इतने मैच विनर, इयान मॉर्गन ने बहुत सही कहा, इतने टॉप क्लास प्लेयर और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इट मींस कि आपने जो पीछे 2-3 साल गुजारे हैं उसमें 50 ओवर पे तो आपने बिल्कुल फोकस किया ही नहीं है. आपने समझा कि ये तो हमारे लिए आसान सी चीज़ है. जब हम T20 और टेस्ट में इतना तेज खेलें तो वनडे में तो हम मार देंगे दूसरी टीमों को. तो ये होता है जब आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. बिल्कुल, अच्छी अच्छी टीमों को पता चल रहा है कि इंडिया में खेलना इतना आसान नहीं है और प्लानिंग आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए. देखिए, बिल्कुल तैयारी पूरी होनी चाहिए. मेरे ख्याल से ये गलतियां प्लेयर्स की अपनी है. आप मैनेजमेंट को तो जो क्रिकेट मिलेगी, मैनेजमेंट या ICC जो भी शेड्यूल बनाता है उस, वो तो खेल रहे हैं, लेकिन आप कैसे लेके चलते हैं अपनी अपने इवेंट को, अपनी क्रिकेट को हर फॉर्मेट की. हम वो ज़्यादा T20 और टेस्ट मैच में रहे हैं, लेकिन ये प्लेयर, लेकिन जो बात बासित भाई से आपने बात की ना, विकेट अनप्लेएबल होगी सेकेंड टाइम. ऐसी विकेट हो ना, डे मैच हो तो सेकंड टाइम अच्छा हो जाता है. जब आपको पता है पुणे में अंडर लाइट, चाहे ओस भी पड़ रही हो, थोड़ी सी पड़ रही है, लेकिन वो स्प्रे ऐसा होता है कि बॉल इतना गीला नहीं होने देता. लेकिन ये है कि आप फिर पहले बारी लेते हैं. आपको लखनऊ, लखनऊ में, सॉरी, लखनऊ में आप पहले बारी लेते हैं. आज के जो मैचेस हुए वहाँ पे अंदाजा होता है. तो आप ना कैप्टनसी तो नजर आ ही रही है, जो डिसीजन है ना, जो टीम के मुताबिक कंडीशन के मुताबिक वो नहीं ले रहे. फिर आप जो इंडिया क्यों नंबर 1 है, मुझे बात बता, 6 बैट्समैन है उनके,
प्रॉपर बैट्समैन है, कोई उनमें से कोई ऑलराउंडर नहीं है। इंग्लैंड टीम इसी वजह से मार खा रही है कि वो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये T20 में चल सकता है, वनडे क्रिकेट में नहीं चल सकता। जब आपको ऐसी कंडीशन मिल जाएगी, ऐसी पिच मिल जाएगी, वहाँ पे फिर बैट्समैनों की टेक्निक टेस्ट होती है, टेम्परामेंट, मेंटली। इंडियन टीम इसलिए संभाल गई है कि उनके 3 आउट हो गए मैच विनर, रोहित शर्मा लेके गया, के राहुल ने 40 रन किए, सूर्या कुमार यादव ने किए, तो इसलिए एक रीजनेबल टोटल बनाया जो अंडर लाइट डेफिनेटली मुश्किल ही होनी थी इंग्लैंड टीम को, जिसको कर रहे थे 250, लेकिन वो 230 पर मतलब आप फॉर्म में होते हो तो कहने का मतलब ये है कि आप कभी ऐसे ये नहीं कि हाई स्कोरिंग मैच होंगे, कोई ऐसा मैच आएगा जहां पे टेस्ट होंगे बैट्समैन, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। जी अजहर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि मैं सर्किट में, काउंटी सर्किट में रहा हूं, तो बहुत ज्यादा इंप्रेशन है थ्रू आउट द काउंटी सर्किट के प्लेयर वही आगे जाएगा जो तेज खेलेगा, जो शॉट मतलब ये अग्रेसिव खेलेगा, विच इज़ यू नो एक अच्छा एक मैसेज है थ्रू आउट द। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सा यू नो कंसोलिडेट करके खेलते हैं और यू नो वर्सटाइल प्लेयर हैं, लेकिन उनको उस तरीके से रेट नहीं किया जाता। तो आई थिंक 50 ओवर क्रिकेट में जैसी कल पिच थी, यू नीड दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स टू एटलीस्ट के जो स्टॉर्म है पहला नए बॉल का या कहीं स्पिन आ रहा है तो वो स्टॉर्म को काउंटर कर सकें। फिर आप एक वे में ही नहीं हर दफा निकलते चीजों से, तो आपके पास प्लेयर्स होने चाहिए एटलीस्ट 6 बैट्समैनों में। हाँ। 2 बैट्समैन तो ऐसे हैं, अब जो रूट के अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो आपको यू नो निकाले। अब जो रूट के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उसको भी पीछे साल 2 साल उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट से दूर रखा, लेकिन उसने टेस्ट क्रिकेट में यू नो इतना तेज खेल के दिखाया, उसको वापस लेके आए। ये अनो के उन्होंने ये देखा कि सारे प्लेयर जो रूट के राउंड खेलेंगे, लेकिन एक प्लेयर यू नो एक बॉल पे एक बॉल होती है बैट्समैन के, वो आउट हो जाता है, उसके बाद सारे प्लेयर एक ही तरह से प्रेशर को हैंडल करने वाले हैं, तो वहां पे जाके इनको ट्रबल आई है। इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यस यू वांट टू बी अग्रेसिव, यस यू हैव योर ओन वे टू प्ले क्रिकेट, बट अगर आपने कहीं अच्छी टीमों के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट समटाइम फंसना है तो यू नीड टू एटलीस्ट 2-3 प्लेयर्स। ठीक है बासित भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मलान भी एक ऐसा प्लेयर है जो कर सकता है, हर तरह से खेल सकता है। और जो अभी बात हो रही है ना कि इन्होंने एक स्टाइल अपनाया, वो टेस्ट मैच में अपनाया है, वो टेस्ट मैच में टेस्ट के लिए है ना। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसबॉल, ये टेस्ट मैच में 3 स्लिप होती है, एक गली होती है, फील्डर ऊपर होता है, आप आराम से मार देते, आपको डर नहीं होता। वनडे में 10 ओवर के बाद तो फील्डर पीछे भी होते ना, बॉलर चांस लेता बाउंसर का, अग्रीड, मतलब तो वो बहुत ज्यादा। लेकिन वनडे में ये इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितना टेस्ट मैच में होंगे। शाहिद भाई भी हमारे साथ है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोलकाता कैसा है, कैसा ट्रीट कर रहा है आपको? बहुत अच्छा है, यहाँ लोग बहुत फ्रेंडली हैं, और हम तो पहले भी आए हुए हैं, अजहर अली के साथ टेस्ट मैच भी यहाँ पे देखा है हमने, और लोग बहुत अच्छे हैं और बड़ा अच्छा केयरिंग माहौल है। जबरदस्त जबरदस्त। तो कल के मैच में पहले आपकी थॉट्स ले लेते हैं। कल एक बार फिर इंडिया ने शो किया है कि वो यहाँ ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए सबसे स्ट्रांग टीम है। बिल्कुल, उनकी सारी बेसिस कवर है, उनका कप्तानी अच्छी कर रहा है, बैटर रन बना रहे हैं, बॉलर बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। शामी को देखें आप, बेंच पे से उठ के आया, पहले मैच में 5/54, दूसरे मैच में आया 4/22, 9 विकटें 2 मैचों में, और अब तक उनकी टोटल वर्ल्ड कप में मिला के 40 विकटें हो गई 13 या 14 मैचों में। आउटस्टैंडिंग बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, और लग रहा था इसके जैसे इंग्लैंड को मुश्किल नहीं होगी इतना बड़ा टोटल बनाने में, लेकिन जैसे ही आउट होना शुरू हुए तो आउट हो गए सारे। और इंग्लैंड ने ओवर द इयर्स पिछले 2 साल में वनडे क्रिकेट पे कम तवज्जो दी है, वही उनको हॉन्ट कर रहा है। बिल्कुल सही है शोएब, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। इवेंट शुरू होने से पहले आप किसी भी ग्रेट को देख लें, सबकी टॉप 4 में इंग्लैंड जरूर था, जरूर, लेकिन बड़ा शॉकिंग है कि वहां पे है नहीं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि एक और बड़ी वजह यह है कि जिन टीमों के कैप्टन्स, चाहे वो बाबूमा ही हो, जिन टीमों के कैप्टन्स परफॉर्म नहीं कर रहे वो बड़े मैचेस में जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं। पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, इंग्लैंड, और खुसूसन उनका नाम बी से शुरू होता हो। बाबूमा बटलर और तीसरा तो आपको बताइए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, देखें कैप्टन का खुद परफॉर्म करना और टीम से काम लेना, ये दोनों बड़ा मैटर करता है। आप रोहित शर्मा को देख लें, अब तक के मैचेस में वो खुद भी ज्यादातर परफॉर्म भी कर रहे हैं, कल के मैच में भी किस तरीके से वो आखिर तक लेके गई है 229 में, उनका बहुत बड़ा रोल था कि वो मैच को लेके चलते रहे। इसी तरीके से कैप्टनसी में भी वही है कि वो अच्छे फैसले ले रहे हैं, डिसीजन सही कर रहे हैं, तो हो रहा है। तो ये जो कैप्टन हैं, इनका परफॉर्म करना और इनका अच्छी कप्तानी करके अच्छे फैसले करना, तो ही जीत मिलती है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि अब, अच्छा मुझे कहा जा रहा है पहले एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
Glad to have you back once again to our special transmission. श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच ये मैच स्टार्ट हो गया है पुणे में, और आपको एक बार फिर बता दें कि अफगानिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया है। दूसरे ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है, 5 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है श्रीलंका का। तो जल्दी से आपको दिखाते हैं फूड पांडा हेड टू हेड। जी बासित भाई, आपसे शुरू करते हैं, कैसा देख रहे हैं इस मैच को? पुणे की पिच क्या कह रही है और कितने रन जहन में होंगे श्रीलंका के? पिच तो बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि द वे ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट राशिद और नबी के अगेंस्ट कैसा रहेगा। और जो बात आपने बोली ना कि इन्होंने आज टॉस जीत के सरप्राइजली मतलब बॉलिंग करी है, क्योंकि जो भी टीम होती है बैटिंग करती है, लेकिन क्योंकि ये पक्षन से जीते हुए ना चेस पे, तो शायद वही उन्होंने माइंड सेट यूज करा है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन पिच बहुत अच्छा, पाटला पिच है, जबरदस्त पिच है। और हमने देखा है कि जब बाद में ये बॉलिंग करते हैं तो ये दूसरी टीमों को बड़ा परेशानी में डालते हैं, तो इट्स अ गट्सी मूव। आई थिंक इस कंडीशन में इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली वो शायद ड्यू फैक्टर हो या पिछले मैच में शायद इंडिया ने यहाँ चेस किया इसलिए चेस पे गए हो, लेकिन अभी कॉन्फिडेंट है काफी अफगानिस्तान। बस इसको ओवर कॉन्फिडेंट होएंगे तो फिर इनको ज्यादा ट्रबल होगी, अदरवाइज अच्छा मैच हो सकता है अगर अफगानिस्तान इनको लिमिट करे बिलो 300। अगर ये 300 से ऊपर चले गए तो फिर श्रीलंका के पास भी, आज चमीरा वापस आए हैं बॉलिंग में, तो आई थिंक वो बड़ा की फैक्टर होंगे। लूनू कुमारा को जरूर मिस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट पेस गई है तो पेस से उन्होंने रिप्लेस किया है, तो आई थिंक श्रीलंका भी अब ऐसा ऐसा मोमेंटम गेन कर रहा है, बेहतर खेल रहा है, तो आई थिंक ये बॉलिंग बेहतर हुई है जिसकी वजह से अब बैलेंस होगी काफ़ी टीम। पहले यह था कि सिर्फ बैटिंग परफॉर्म कर रही थी, बॉलिंग स्ट्रगल कर रही थी, अब ऐसा ऐसा लूनू कुमारा और चमीरा जो टूर्नामेंट में आए हैं तब से इनका जो है वो बॉलिंग अटैक भी थोड़ा बेहतर लगने लग गया। मधुशंका भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये मैच दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 5-5 में से दो दो गेम जीते हुए हैं और प्रेशर है दोनों टीमों पर, तो ये टॉस की सिचुएशन और अफगानिस्तान का ये फैसला सही लग रहा है आपको? देखिए, ये प्लानिंग उनकी अफगानिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त रही है, एक तो पाकिस्तान के खिलाफ चेज किया हुआ, फिर श्रीलंका ज़्यादा डिपेंड अपनी बैटिंग पे कर रहे हैं, उन्होंने रन्स भी बड़े बड़े किए और चेज भी करवाए हैं बॉलिंग में, एक बैलेंस नहीं ठीक है, चमीरा आ गया, थोड़ी बैलेंस साइड लग रही है बॉलिंग में, लेकिन वो उनके माइंड में चल रहा है श्रीलंका के बाकी टीमों के खिलाफ भी कि इनकी बॉलिंग स्टिल स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, तो चेज में कॉन्फिडेंस है, फिर ओपनर बड़े ज़बरदस्त इनके हैं, एक आइडिया हो गया अंडर लाइट चेज कैसे करना है, तो ये एक चीज़ है, तो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से इन्होंने पहले बॉलिंग की, एक अच्छी मूव है। मैं समझ रहा हूँ कि ये कह सकते हैं कि आप क्रिकेट और गेम अवेयरनेस डिसीजन लेना, ये नहीं कि पास के मैच को देख के डिसीजन लेना, एक अपनी टीम के मुताबिक उन्होंने डिसीजन लिया। दोनों टीमों का सफर अब तक शोएब हम फॉलो कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आज का मैच? देखिए, आज के मैच में वही बात के जो जीतेगा वो तो ऊपर आ ही जाएगा, पाकिस्तान से भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान ने अपने बड़े मैचों में से दो मैचेस जीते हुए हैं, एक पाकिस्तान के खिलाफ जीता हुआ है, एक वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ जीता हुआ है, तो ये कॉन्फिडेंस और अब अपने जैसी टीमों से टकरा रहे हैं, ये इनको कहीं ना कहीं जो है एडवांटेज दे जाएगा। मुझे लगता है कि ऑल दो फाइनल फोर में ना भी पहुंचे तो कहीं यही टीम ना हो जो पांचवें नंबर पे फिनिश करे, और इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराने के बाद, पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद, उनको कोई वो नहीं होगा कि यार हमें कुछ रह गया है, वो बहुत ज्यादा अचीव कर चुके हैं, ऐसे में अगर वो पांचवें पे फिनिश करते हैं और पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी टीम जो है उनसे नीचे होती है, तो आप देखें ना कि कितनी बड़ी उनके लिए सक्सेस होगी। बिल्कुल सही है। इस पर मैच पे बात हम कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के बैटिंग कोच हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न आए थे, आई वाज टोल्ड एंड्रयू प्यूटिक हैं, और एंड्रयू प्यूटिक ऑब्वियसली उनका आना बनता भी नहीं है, तो हेड कोच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ऑब्वियसली शोएब आपसे ही शुरू करता हूँ, टीम की जो सूरत हाल है उसमें आप यही आएंगे बात करने? अब ऐसा ऐसा देखिएगा, ये पाकिस्तान का माइंड सेट रहा है, इख्तलाफ भी आप कर सकते हैं कि जब जब पाकिस्तान हार रहा होता है ना, कोशिश ये होती है कि इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं उनको आगे कर दिया जाए, उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि सवालात जो है वो कम हो जाते हैं, फिर वो बात को घुमाते रहते हैं, जहाँ से क्रस निकल सकता है, कोई बड़ी खबर निकल सकती है, वो निकल नहीं पाती, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं, अमूमन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है। अगर यहाँ पे कोई खिलाड़ी आता तो यकीनी तौर पे सवालात बिल्कुल डिफरेंट किस्म के होते, और अगर कोई वो कप्तान आता
फिर अलग किस्म के होते हैं। मिकी आर्थर मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं दो मरतबा मिकी आर्थर आ चुके हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे, हो सकता है मॉर्निंग मॉर्कल भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, एंड्रयू पुटिक भी नजर आए। कामरान, दिस शोज दैट टीम इज अंडर प्रेशर, अ लॉट ऑफ प्रेशर। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और वैसे मैंने देखा कि मैच से एक दिन पहले कप्तान को ही आना चाहिए, लेकिन अपने प्लेयर्स का जरा कॉन्फिडेंस सेव कर रहे हैं। तीन मैचेस हैं, नेवर नो, अल्लाह करे टीम पहुंच जाए, जीत जाए मैचेस, न्यूजीलैंड मैच हार जाए, उस वजह से कि मजीद अंडर प्रेशर ना आ जाए। तो ठीक है, कोच भी आ गया जो नाम का कोच है सिर्फ सिर्फ ये है, लेकिन ये है कि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस सेव करना भी जरूरी है। इतना ज्यादा मीडिया पे क्रिटिसाइज हुआ, कॉन्ट्रोवर्शियल इतनी बनी हुई है टीम, तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव है। प्लेयर्स नहीं आ मूवी के बजाय, क्योंकि किसी प्लेयर को भेजने के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हो सकते थे, जो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, माइंड में चलता सारा दिन कल के मैच में, तो वो फिर जो वहां पे के साथ गए हैं, जारी बात है उन्होंने टीम को प्रोटेक्ट करना, यही उनकी जॉब है। लेकिन बात ये है अजहर के सवाल ये, और यही सवाल मैं आगे फिर बासित भाई की तरफ भी लेके जाऊंगा, कि हम टीम पे और उनकी परफॉर्मेंस पे इतना ही बात कर रहे हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंस है अब तक? कोचिंग स्टाफ नहीं सर, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो जो पोजिशन पे है, जो भी इन्होंने प्लानिंग की थी, जो कि यू नो सब डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ कि हमने जो दो साल क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से हम प्लानिंग वर्ल्ड कप की होनी चाहिए थी उस तरह नहीं की, ठीक है, उसमें सब शामिल हैं। तो आई थिंक परफॉर्मेंस फिर आपकी जो जो भी आप टारगेट सेट करें, आपको पता है इंडिया में वर्ल्ड कप है, हाई स्कोरिंग गेम होने, तो आपने क्या ऐसी चीज़ की है जिससे आप आपका जो स्कोर्स हैं वो आप बड़े स्कोर्स बना सकें, कौन से क्या प्लेयर्स डेवलप किए हैं, ये प्लेयर्स को लाए हैं, ऐसे प्लेयर्स को जो इम्पैक्ट डाल सकें, क्या फखर जमान की तरह का प्लेयर बैकअप पे था, यू नो आप साइम यूब को हमने देखा अफगानिस्तान की सीरीज में जबरदस्त परफॉर्म किया, पीएसएल में देखा, ठीक है टू अर्ली था, लेकिन एटलीस्ट उसको अगर आप गेम्स देते बीच में, आप रिप्लेस करते अपने मेन प्लेयर्स को, तो एटलीस्ट कोई आउट ऑफ फॉर्म होता, हम ये बात काफी देख कर चुके हैं, कोई अनफिट हो जाए, कोई आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, तो उसके बैकअप पे आपका प्लेयर तैयार होना चाहिए, ऐसा प्लेयर जो इस तरह के शॉट्स खेल सकता हो जो मॉडर्न क्रिकेट में खेले जाते हैं। बिल्कुल, अब जैसे हम कामरान इससे अग्री नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं वो उसकी अपनी राय है, मैं कहने का मतलब एकदम से वर्ल्ड कप में आप नहीं, वर्ल्ड कप के बाद वो आ ही जाए, वर्ल्ड कप के बाद वो आ ही जाए, अफगानिस्तान की सीरीज, एशिया कप, ये सब ट्राई करने के मौके थे ना, उससे पहले का काम है ये, सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज तो वर्ल्ड कप के करीब है, ये तो बहुत पहले का काम ऐसे हो जाना चाहिए। ये कहने का मतलब था कि पहले से ही आप, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये भी कह रहा हूँ के लिए भी शायद मुश्किल होता कि आप स्ट्रेट अवे आप वर्ल्ड कप में एंटर कर देते, हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाती बात, लेकिन आपको ये तैयारी पहले करनी चाहिए थी। अबरार ने जैसे टेस्ट में आउट किए थे उसको व्हाइट बॉल भी टेस्ट कराना चाहिए था, ताकि आपको आइडिया हो जाता कि हाउ गुड इज ही इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन अबरार के बारे में ये जरूर कहूंगा कि आपको बॉलर ऐसे होने चाहिए जो कि एक उनका कंट्रोल अच्छा हो, जो मिडिल ओवर्स में विकेट्स ले सकते हो, जिनके पास वैरायटी हो थोड़ी सी, क्योंकि उसके पास उसने टेस्ट क्रिकेट में आउट किए डिफेंसिव शॉट खेलते हुए, तो इट मींस के उसकी बॉलिंग में स्ट्रेंथ है कि वो डिफेंस को बीट कर सकता है बैटर्स की, तो उसको वाइट बॉल क्रिकेट में लाना चाहिए था, स्पेशली वनडे क्रिकेट में आपको ऐसे बॉलर चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही है। बासित भाई आपका क्या सोचना है इस बारे में? मैं अबरार पे बात करूंगा, बेसिकली वो वाइट बॉल से उसने क्रिकेट स्टार्ट कर लिया, T20 50 ओवर, बाद में वो टेस्ट मैच में आया और उसको फिर टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट कर लिया, हालांकि वो ज़्यादा बेहतर वाइट बॉल में, ये मतलब वो चीज़ है जो हमारे साथ तो रहा है ना, तो वो वाइट बॉल का डेंजरस बॉलर है, चार ओवर में स्पेशली जो बॉलर नया बॉल करे मुजीब की तरह, तो उसमें कुछ तो होगा। बिल्कुल सही है, तो अब तो खैर ये सारी बात हो गई, शोएब इसमें ऐड कर ले फिर सबकी आज के मैच की प्रेडिक्शन ले लें। जी देखिए, ये जो वो आए हैं ग्रांट ब्रैडमैन आए हैं, आप शाहीन शाह अफरीदी को भी भेज सकते थे, टॉप विकेट टेकर है, पॉजिटिव बातें होती है, जब आपने परफॉर्म किया होता है तो आप आगे अच्छी बात करते हैं। दूसरा एक मुझे सवाल है, शायद मैं इसे पूछना था लेकिन वो ब्रेक में हम चले गए, कि फखर जमान का तो घुटने की इंजरी का मामला है, आखिरी मैच में तो फील्डिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, ये क्या मामला, तो कुछ समझ नहीं आ रहे कि अगर एक खिलाड़ी का घुटने का मसला है वो मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, आप फील्डिंग करा के फिर आगे कभी उसको मुश्किल में डाल रहे हैं, आगे तो जरूरत पड़ रही है हमें। ये जो बात इन्होंने की है ना, जो पिछले 3-4 दिनों से बातें चल रही है वो आपने दी है, ये भी आप बता ऐसे डाल रहे हैं, मौजूद है ना, इंजरी की अपडेट लेते हैं, तो क्लियर किया था बाद में, राउंड लगाए उन्होंने, कहा था कि वो सुबह आए थे उन्होंने राउंड लगाए, तो ही इज फिट, नहीं वो तो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर, इतने टाइम से उनका नहीं हो रहा था
टाइटल, वो तो वो इशू नहीं होना चाहिए था। खैर एनी हाउ, पांचवें ओवर का खेल जारी है, 17 पर श्रीलंका का कोई, 18 श्रीलंका का अब कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही, 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।